Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर एक नहायत ही अच्छी खबर आपके लिए लेके आया हूँ, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर लेके आया हूँ। जो लोग जाना चाहते हैं यूरोप, वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपका यूरोप का जो ख्वाब है वो पूरा हो सके। बहुत सारे लोग हमारे यूरोप जाना पसंद करते हैं, जो कि शेंजन वीज़ा होता है, और यूरोप जाके पेपर अप्लाई करना या डॉक्यूमेंट अप्लाई करना या इमिग्रेशन अप्लाई करना, जिससे आपको वहाँ के पासपोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, रेड कार्ड ग्रीन कार्ड हर मुल्क का अपना अपना होता है, वो हासिल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं और बहुत जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके बाद जाके उस मुल्क का पासपोर्ट मिलता है या उस मुल्क की परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर आपके साथ ऐसी न्यूज़ शेयर करने वाला हूं जिसको हासिल करना, जो रेजिडेंसी है, यूरोपियन रेजिडेंसी है, वो बहुत ही आसान हो गई है। दोस्तों आज बात करेंगे पुर्तगाल के हवाले से। पुर्तगाल जो है वो रेजिडेंसी और इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ही रिलैक्स उसके कानून रहे हैं। गैर मुल्कियों के लिए जो इमिग्रेंट्स आते हैं पुर्तगाल के अंदर, उनको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप पुर्तगाल जाते हैं, मतलब पहले एक मैं आपको रूल बता दूं, पहले रूल होता था कि जब आप पुर्तगाल के अंदर जाते हैं, आप लीगली एंटर होते हैं या विजिट वीजा के ऊपर या किसी भी दूसरे वीजा के ऊपर आप पुर्तगाल के अंदर जाते हैं, तो आप वहां पे टीआर अप्लाई करते हैं, जो कि टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है। उसको अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं चाहिए होता। आप सिर्फ टीआर अप्लाई करते हैं वहाँ पे और आपको मिनिमम 5 ईयर्स वहाँ पे रहना पड़ता है, तो आप उनकी जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है, जो पुर्तगाल का पासपोर्ट होता है, वो आप हासिल कर सकते हैं। तो जब आपके पास पुर्तगाल का पासपोर्ट हो जाए, पुर्तगाल का पासपोर्ट आ जाता है, उसके बाद आप के लिए वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस लेना बहुत ही आसान हो जाता है। जब आपको वो पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर जाके काम कर सकते हैं, वर्क वीजा के ऊपर रह सकते हैं, सैर कर सकते हैं। एनी कंट्री इन द यूरोप यू कैन गो एंड विजिट एंड यू कैन गो एंड वर्क इन द यूरोपियन कंट्री, मतलब स्पेन हो गया, इटली हो गया, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद ये पुर्तगाल और ये जो डेनमार्क, नार्वे, ये भी कंट्रीज के अंदर आते हैं। तो आप जब उसका पासपोर्ट ले लेते हैं, आप इजीली उन कंट्रीज के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अभी जो रूल चेंज हुआ है, जो नया रूल आया है पुर्तगाल के बारे में, वो ये है कि पहले होता था जो बंदा लीगली एंटर होता है पुर्तगाल के अंदर, उनको जो है वो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए उनको रिलैक्सेशन होती थी, वो लोग पासपोर्ट अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी ये है कि आप लोग अगर इलीगली भी एंटर हुए हैं पुर्तगाल के अंदर, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप उसकी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। ये खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप अगर इलीगली वहाँ पे भी रह रहे हैं या इलीगली किसी दूसरी कंट्री से वहाँ पे एंटर हुए हैं और वहाँ पे जो है वो आप टीआर अप्लाई करते हैं, तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा, आपको वहाँ पे जो है वो रहने का हक दिया जाएगा। लेकिन उसमें एक शर्त है, आपने वहाँ पे उस कंट्री के अंदर टैक्स पे करना है। यू हैव टू पे टैक्स फॉर, आई मीन यू आर लिविंग देयर फॉर 3 ईयर्स, यू हैव टू पे टैक्स फॉर 3 ईयर्स। यू आर लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स, यू हैव टू पे द टैक्स फॉर 4 ईयर्स इन द पुर्तगाल। सो व्हेन यू पे टैक्सेस इन पुर्तगाल, सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट ऑफ पुर्तगाल। तो वहाँ पे आप जब रहेंगे, टैक्स देंगे, वहाँ पे काम करेंगे, आप उनको टैक्स शो करेंगे कि यू आर अ टैक्स पेयर इन पुर्तगाल, सो यू कैन इजीली गेट अ पुर्तगाल पासपोर्ट आफ्टर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, द ड्यूरेशन दैट दे हैव टोल्ड अस, दे हैव टोल्ड टू इमिग्रेंट्स दैट द 5 ईयर्स यू हैव टू लिव इन द कंट्री, द 5 ईयर यू हैव टू पे द टैक्सेस, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पुर्तगाल पासपोर्ट। So that is very, very good news for you guys who are willing to go to Europe and get the European passport, whether it is Italy, Spain, Norway, Denmark, Germany. आप किसी भी कंट्री के अंदर विजिट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अभी तो इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन का भी वो मसला बना हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है, ही इज़ नो मोर इन यूरोपियन यूनियन, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट्स जो है वो उनके अगेंस्ट चले गए हैं। अभी इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन एक साथ में है, अभी उनका कुछ अलहदा नहीं हुआ है।
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 12, 13, 14, 15 लाख लगा के आप दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं, इटली, यूरोप, फ्रांस में जाते हैं, तो आप इससे बेहतर ये है कि आप पुर्तगाल का वीज़ा लें, पुर्तगाल का विजिट वीज़ा ले लें या शेंजन वीज़ा ले लें, तो उस कंट्री के अंदर जाके 3-4 साल 5 साल आप स्टे करते हैं, वहाँ पर काम भी करें, वहाँ पर आप लीगली स्टे करें, लीगली स्टे करने के बाद आप वहाँ पर उनका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और उनको पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। जब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, आप किसी भी कंट्री के अंदर जाके काम कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर जाके रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छी न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। होपफुली आपने ये न्यूज़ इंजॉय की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।